तीस नहीं चौतीस, चौतीस की पैंतीस। सर थोड़ा फुलाइए फुलाइए फुलाइए। 34.5 निकले। हाँ बेटे। पापा मैंने बैंकिंग का एग्जाम क्लियर कर लिया। आता हूँ बेटा, सीना 40 कर दो। जिम विम ज्वाइन कर लिया है क्या 24/7? बेटे ने अड्डा 24/7 ज्वाइन किया और बैंकिंग एग्जाम क्लियर किया। अब जब बच्चे तरक्की करते हैं ना तो बाप का सीना तो चौड़ा हो ही जाता है। सीना 40 कर दे। अड्डा 24/7 की एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी और क्वालिटी एजुकेशन से आप तैयार होते हैं बैंकिंग, टीचिंग, एसएससी जैसे अनेक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए और एक अच्छा करियर बनाने के लिए। अड्डा 24/7 जॉब है तो रॉब है। आरती चौधरी, सभी को बिल्कुल वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। कैसे हो आप सब? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। एक बार जरा कमेंट कर दीजिए कि ऑडियो वीडियो सब कुछ ऑल ओके है, और कमेंट सेक्शन में एक साथ लिखेंगे क्या बेटा, राधे राधे। ठीक है, सब लोग एक साथ लिखेंगे क्या बेटा, राधे राधे, ओके। और एक साथ कमेंट भी करेंगे कि ऑडियो वीडियो सब कुछ ऑल ओके है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और बेटा आज का हमारा थॉट क्या है, जो आपकी बिल्कुल आम जिंदगी से एक तरह से रूबरू होते हैं आप हर इस चीज से हर रोज, क्या कि उड़ा देती है नींद कुछ जिम्मेदारियां घर की भी, उड़ा देती है नींद कुछ जिम्मेदारियां घर की भी, रात को जागने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता, है ना। तो जरूरी नहीं है कि जो रात भर बैठकर मोबाइल के सामने भी बैठा हुआ है तो वो किसी से चैट कर रहा है या फिर किसी ना किसी से बात कर रहा है अपनी प्रेमिका से, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि वो अपने माँ बाप के बारे में ज्यादा सोचता हो, रात भर बैठ के पढ़ाई करता हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से शायद आपकी हर किसी की जिंदगी से ये थॉट, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके लिए थॉट भी लेके आऊं तो ऐसे लेके आऊं जो आपकी जिंदगी से रूबरू हो, जो आपकी जिंदगी का हिस्सा हो, ठीक है। तो शायद आप सबकी जिंदगी का ये एक हिस्सा है, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, ओके बच्चा, ठीक है। चलो एक बार जरा हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है लैम्बर्ट नियम, किससे संबंधित है, बताइए। लैम्बर्ट का नियम किससे संबंधित है, क्विकली बताइए। लैम्बर्ट का नियम किससे संबंधित है, द्रव्यमान से, प्रदीप्ति से, पारिस्थितिकी से या अनुवांशिकी से? लैम्बर्ट का नियम इनमें से किससे संबंधित है, क्विकली बताइए, फटाफट, और स्पीड में आंसर करेंगे सब लोग। देखो बेटा टॉप 100 का मतलब क्या है कि आप लोगों को स्पीड बढ़ानी होगी, कोई नहीं, दो चार क्वेश्चन, 10-12 क्वेश्चन कम हो जाएंगे। मेरा एक टारगेट है कि मैं आपको एग्जाम से पहले लगभग आपको 10,000 क्वेश्चंस दे दूं यहां पर, क्योंकि मेरे पास हैं इतने क्वेश्चंस तो मैं आपको दे सकती हूं, ठीक है। तो लेकिन उसके लिए आप लोगों को साथ क्या देना होगा कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करना होगा क्लास को, लाइक करना होगा और कमेंट सारे बच्चे करेंगे एक साथ, ठीक है बेटा। तो लैम्बर्ट का नियम किससे संबंधित है, द्रव्यमान, प्रदीप्ति, पारिस्थितिकी या फिर अनुवांशिकी, बताइए। लैम्बर्ट का नियम इससे इनमें से आपका किससे संबंधित है बेटा, प्रदीप्ति से। किससे संबंधित है ये आपका, प्रदीप्ति से। अगला क्वेश्चन क्या है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था, फटाफट बताइए। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था, क्विकली आंसर करेंगे। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था, सर फ्रैंक हिटल ने किया था। किसने किया था, सर फ्रैंक हिटल ने किया था। अगला क्वेश्चन क्या है, डायनासोर लगभग कितने वर्षों से विलुप्त है, डायनासोर लगभग कितने वर्षों से विलुप्त है, फटाफट बताइए। डायनासोर लगभग कितने वर्षों से विलुप्त है, डायनासोर लगभग कितने वर्षों से विलुप्त है, मैम आप बहुत गुस्से में रहती हैं भाई, मैं अगर गुस्से में रहती हूँ ना तो फिर शायद शांत दिमाग से आपको कोई नहीं लगता होगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं बहुत ही शांत दिमाग से रहती हूँ। हाँ अगर आप लोग मतलब इनटॉलरेबल कंडीशन बनाओगे क्लास में, कोई उल्टा सीधा कमेंट करेगा तो वो मैं टॉलरेट नहीं करूंगी, आज तक नहीं किया है, ना आगे करूंगी ना अब करूंगी, ठीक है। वो एक मेरी बीइंग अ फीमेल मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं कोई यहाँ पर उल्टा सीधा कमेंट ना किसी का पढ़ती हूँ ना कुछ, और अगर पढ़ लेती हूँ तो शायद उसको बहुत ही बोल्डली जवाब देना मुझे आता है, ठीक है। तो डायनासोर आपके लगभग कितने वर्षों से विलुप्त है, आपके 65 मिलियन से, कितने, आपका एक ऑप्शन 60 से 65 भी आ सकता है इसमें, अगर आपका ऑप्शन 60 से 65 आए तो आप लोगों को क्या लगा के आना है बेटा, 60 से 65 वाला भी आप ऑप्शन लगा के आ सकते हो। तो डायनासोर आपके कितने वर्षों से विलुप्त हैं, आपके 65 मिलियन वर्षों से ये आपके विलुप्त हैं। समतल दर्पण की नाभिक की लंबाई कितनी होती है, बताइए। समतल दर्पण की नाभिक की लंबाई, या आपसे पूछा जाए कि आपकी प्लेन मिरर की रेडियस कितनी होती है, प्लेन मिरर की रेडियस आपकी कितनी होती है, फटाफट बताइए। प्लेन मिरर की रेडियस आपकी कितनी होती है, क्विकली आंसर कीजिए फटाफट।
प्लेन मिरर की रेडियस आपकी कितनी होती है, फटाफट बताइए थोड़ा। और सब लोग जितने बच्चे लाइव हैं उतने ही आंसर करें, क्योंकि एग्जाम सबका होना है। ऐसा थोड़ी है कि जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं बस उन्हीं का एग्जाम होगा, नहीं ना, एग्जाम तो सभी का होना है ना भाई। तो प्लेन मिरर की आपकी रेडियस कितनी होती है, बिल्कुल सही आंसर आया, 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर, 4-5 मीटर। ओके, सारे ऑप्शंस के आपने आंसर दे दिया है और बहुत ही कम बच्चे ऐसे हैं जिनका आंसर सही है। भैया प्लेन मिरर सोच के देखो, आपकी रेडियस कहाँ बनती है, जब कहीं आपका कोई कर्व होता है, जब कोई आपका कर्व होता है वहीं पर आपकी रेडियस बनती है। रेडियस है क्या, जैसे बेटा मान लिया ये कोई आपका सर्कल है, इसका सिंपल सी बात है आपका कोई ना कोई सेंटर रहा होगा, तो सेंटर से कार्वेचर तक की डिस्टेंस यानी कि केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, आपकी रेडियस बोलते हैं। बोलो हाँ कि ना, सही बोला या गलत बोला, ठीक है, सही बोला या गलत बोला, बिल्कुल जी सही बोला, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग, आपकी रेडियस बोलते हैं, ठीक बात मैम। अब जब इसमें कोई कर्व है ही नहीं, प्लेन मिरर क्या है भाई, ये हो गया ना आपका प्लेन मिरर, तो ठीक है प्लेन मिरर तो ये हो गया ना, तो ये जब आपका प्लेन है तो इसमें कहां से रेडियस आई, इसकी कोई रेडियस नहीं होगी, मतलब कितनी होती है, अनंत होती है, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी होती है आपकी, अनंत होती है। एक और क्वेश्चन आपका पूछा जाता है और वो क्वेश्चन क्या है कि जो आपका रिफ्लेक्शन होता है क्या वो हमेशा आपका स्मूथ सरफेस से ही होता है। तो रिफ्लेक्शन आपका दो टाइप का होता है, एक होता है रेगुलर, एक होता है रेगुलर और एक होता है इररेगुलर, एक होता है इररेगुलर, ठीक है। जब आपका रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर से होगा, समतल दर्पण से होगा, ये आपका कहलाएगा क्या बेटा, रेगुलर। ये आपका क्या कहलाएगा, रेगुलर कहलाएगा। जैसे हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग आपकी प्लेन मिरर की बात करें, अगर हम लोग प्लेन मिरर की बात करें तो ध्यान से देखना बेटा आपका क्या होता है रिफ्लेक्शन, क्या होता है, ये आपका कोई एक प्लेन मिरर है, ठीक है, इस पर आपका ये नॉर्मल है, देन उसके बाद में बेटा क्या होता है आपका, कोई किरण आई और रिफ्लेक्ट हो गई, कोई किरण आई और आपकी उसी एंगल से, जिस एंगल से आई थी उसी से वापस चली गई, दिस इज कॉल्ड योर रिफ्लेक्शन, ये आपका रिफ्लेक्शन कहलाता है। अगर प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है तो रेगुलर कहलाएगा, और अगर आपका इररेगुलर है, जैसे मान लिया कोई आपका सरफेस है, ठीक है, और वो आपका कर्व्ड की शेप में है इस तरह से है, तो यू कांट से कि यहां पर आपका रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्लेक्शन यहां पर भी होगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन को क्या चाहिए, एक आपका ऐसा सरफेस चाहिए जहां से आपकी किरण जिस एंगल से आई है वहां से वापस चली जाए, अब वो चाहे कोई भी हो, तो ये आपका नॉर्मल हो गया, यहां से आपकी जिस एंगल से किरण आई थी उसी से वापस चली गई, बट दिस इज कॉल्ड योर इररेगुलर रिफ्लेक्शन एंड दिस इज कॉल्ड योर रेगुलर रिफ्लेक्शन। दोनों में डिफरेंस समझ में आया, दोनों में डिफरेंस समझ में आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा एक बार, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट का प्रचलित नाम क्या है, बताइए सोडियम कार्बोनेट का प्रचलित नाम क्या है, फटाफट बताइए, सोडियम कार्बोनेट का प्रचलित नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट का प्रचलित नाम क्या है, बिल्कुल जी, क्या बेटा आपका, बेकिंग सोडा, क्या है इसका नाम आपका, बेकिंग सोडा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा एक बार, कोड किसकी प्रजाति है, और अगर हम लोग आपके बेकिंग सोडा के फॉर्मूले की बात करें तो कितना होता है, Na2CO3.10H2O, डेकाहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, ये क्या होता है बेटा आपका, बेकिंग सोडा होता है, ठीक है, ये आपका क्या, एक मिनट बच्चों थोड़ी सी, यहां पर आपका ये आपका वॉशिंग सोडा होता है, सॉरी ये आपका एक, हाँ ये आपका वॉशिंग सोडा होता है, ठीक है, क्लियर, ओके जी, ये आपका क्या होता है बेटा, वॉशिंग सोडा होता है, उसको करेक्ट करना आप लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा, यहाँ पर बेकिंग सोडा हम लोग नहीं लिखेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट आपसे पूछा गया था, ठीक है, NaHCO3 और यहां पर आपका ऑप्शन था, यहां पर आपका ऑप्शन था किचन सोडा, ठीक है, यहां पर आपका ऑप्शन था किचन सोडा, अब ये आपका ठीक है, ठीक है, अब ये आपका ठीक है, ओके जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा एक बार, कोड किसकी प्रजाति है, कोड इनमें से किसकी प्रजाति है, फटाफट बताइए, कोड इनमें से किसकी प्रजाति है, क्विकली बताइए, वॉशिंग सोडा का होता है Na2CO3.10H2O, Na2CO3.10H2O, बताइए कोड किसकी प्रजाति है, फटाफट बताइए भाई, ठीक है,
बेकिंग सोडा का बेटा ये होता है, उसको आपका ऑप्शन वो मिसमैच था थोड़ा सा वहां पर, ठीक है। ऑप्शन में क्या था देखो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, सोडियम कार्बोनेट का प्रचलित नाम क्या है, तो यहाँ पर इनको बेटा आपका वॉशिंग सोडा देना चाहिए था, ऑप्शन में यहाँ पर वॉशिंग सोडा देना चाहिए था, और यहाँ पर अगर बेकिंग सोडा दिया है दैट्स मीन कि यहाँ पर फिर बाइकार्बोनेट देना चाहिए था। तो क्लियर हो गया आपका डाउट, क्लियर हो गया, क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, कोड किसकी प्रजाति है, कोड इनमें से आपके किसकी प्रजाति है बेटा, मछली की, ठीक है। कोड किसकी प्रजाति है आपकी, मछली की है। सबसे छोटे फूल वाला पौधा कौन सा है, सबसे छोटे फूल वाला पौधा इनमें से आपका कौन सा है बताइए, सबसे छोटे फूल वाला पौधा इनमें से आपका कौन सा है, क्विकली बताइए सबसे छोटे फूल वाला पौधा कौन सा है। मैम ये गलत बात है, ऐसे सी एच एस एल की आंसर की क्या हो गया भाई, आंसर की नहीं आई, और पता नहीं बेटा मुझे नहीं पता उसका, आपका क्या कह रहे हो आप लोग, सबसे छोटा फूल वाला पौधा इनमें से कौन सा है आपका, वुल्फिया सिकोया यूकलिप्टिस या गेंदा, तो सबसे छोटे फूल वाला पौधा आपका कौन सा है बेटा, वुल्फिया है, कौन सा है बच्चा ये आपका, वुल्फिया है। भाई देखो क्लास में ना लाइक का रेशो बहुत ही गंदा है, एक बार जरा एक बार लाइक करो सारे के सारे बच्चे, जिन्होंने लाइक नहीं किया है क्लास को अगले 20 सेकंड के अंदर जितने बच्चे लाइव है सारे के सारे एक साथ लाइक करो, 20 सेकंड के अंदर जितने बच्चे लाइव है सारे के सारे एक साथ लाइक करो, ठीक है। ओके फटाफट करो भाई, बोलना ना पड़े मेरे को। भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं शीतल पेय पदार्थों के उद्योग का विकास किससे संबंधित है, भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं शीतल पेय पदार्थों के उद्योग का विकास किससे संबंधित है, उद्योग का विकास इनमें से आपसे किससे संबंधित है, या फिर इनके विकास के लिए कौन सी क्रांति हमने हम लेके आए थे, इनके विकास के लिए हम कौन सी क्रांति लेके आए थे आपकी, भूरी क्रांति, कौन सी क्रांति लेके आए थे बेटा, भूरी क्रांति लेके आए थे। मुख्य रूप से गठिया, मुख्य रूप से गठिया में तथा आंतरिक रूप से दर्द बुखार में ली जाने वाली औषधि इनमें से आपकी कौन सी है, फटाफट बताइए। यानी गठिया आपको पता ही है, आपके जो जॉइंट्स वगैरह में जो दर्द होता है उसको हम क्या बोलते हैं, गठिया रोग बोलते हैं, या फिर आंतरिक रूप से अगर आपको बुखार होता है तो आपको पता है जॉइंट्स में पेन होता है, तो इनमें से हम कौन सी औषधि आपकी बुखार में दर्द निवारक के रूप में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, बुखार में दर्द निवारक के रूप में हम कौन सी औषधि का इस्तेमाल कर सकते हैं, एकोनाइट का, किसका बेटा, एकोनाइट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जीवाणु संक्रमण को नष्ट करने के लिए किस औषधि का प्रयोग किया जाता है, जीवाणु संक्रमण को नष्ट करने के लिए इनमें से कौन सी औषधि का प्रयोग किया जाता है, बहुत ही कॉमन सा आंसर है इसका, बहुत ही कॉमन सा आंसर है इसका, थोड़ा सा सोचोगे तो भी ठीक हो जाएगा, है ना। जीवाणु संक्रमण को नष्ट करने के लिए कौन सी होती है बेटा आपकी, पेंसिलिन होती है। पहले पेंसिलिन की आपकी खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पेंसिलिन हमें कहां से प्राप्त होती है, एक पौधे से प्राप्त होती है, और अगर पूछा जाए कि आपकी फंजाए जीवाणु वायरस किससे आपको पेंसिलिन प्राप्त होती है, तो बेटा ये पेंसिलियम, ये एक आपकी फंजाए होती है, क्या आपकी पेंसिलियम फंजाए होती है जिससे आपको क्या होती है बेटा, पेंसिलिन प्राप्त होती है, जिससे आपको पेंसिलिन प्राप्त होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है जरा एक बार देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पाचन संबंधी समस्या सीने में जलन इत्यादि में लाभदायक औषधि कौन सी है, पाचन संबंधी समस्या सीने में जलन इत्यादि में लाभदायक औषधि कौन सी है बताइए, क्विकली बताइए, पाचन संबंधी समस्या सीने में जलन इत्यादि में लाभदायक इनमें से आपकी कौन सी औषधि है। देखो आपको पता है कि हमारे पेट के अंदर एसिड पाया जाता है, हमारे पेट के अंदर आपको क्या पाया जाता है, एसिड पाया जाता है, और एसिड भी कौन सा पाया जाता है, HCl पाया जाता है, और HCl जो है ये आपका हाईली एसिडिक है, HCl क्या है आपका बहुत ज्यादा, 1 से लेकर 1.5 तक तो उसकी pH है, और आपने बहुत बार सुना होगा यार पेट में ना एसिडिटी हो रही है ना, पेट में एसिडिटी होती है जिससे क्या होता है पेट में जलन बन जाती है ना, वो जलन कहाँ होती है, बहुत बार हमको अपनी चेस्ट के आसपास, मतलब हमको अपने सीने में फील होती है, दर्द भी होता है बहुत बार, बहुत बार मैंने सुना है कि एसिडिटी से जलन दर्द की वजह से लोगों को ऐसे लगता है जैसे हार्ट अटैक आने वाला है,
है ना, ऐसा भी होता है। तो उस जलन को कम करने के लिए एक टैबलेट आती है, ठीक है, जिसका नाम आपका क्या होता है, उसमें सोल्ट होता है क्या आपका, जेनेटियन। कौन सा सोल्ट होता है उसमें आपका, जेनेटियन। आपकी टैबलेट भी होती है वैसे इस नाम की, थोड़ा सा अलग नाम होता है। बेसिकली आप लोग समझ सकते हो कि जेनेटियन एक सोल्ट होता है जो कि हमारी पाचन संबंधी समस्याओं को, जलन इत्यादि को, एसिडिटी को कम कर सकता है, ठीक है, एसिडिटी को कम कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दर्द निवारक के रूप में कौन सी औषधि का प्रयोग किया जाता है। दर्द निवारक के रूप में इनमें से कौन सी औषधि का प्रयोग किया जाता है, फटाफट बताइए। दर्द निवारक के रूप में कौन सी औषधि का प्रयोग किया जाता है, बताइए। दर्द निवारक के रूप में कौन सी औषधि का प्रयोग किया जाता है, दर्द निवारक के रूप में कौन सी औषधि का प्रयोग किया जाता है आपका, कोनाबिडियोल का। किसका बेटा, आपकी कोनाबिडियोल। ये बेसिकली सब सॉल्ट के नेम है, ठीक है। ये अगर मैं आपसे बात करूं तो इस तरह की आप दवाई ढूंढने जाओगे तो शायद आपको नहीं मिलेगी, लेकिन ये सारे सॉल्ट के नेम है कि अगर आपको कहीं भी बॉडी में दर्द होता है, ठीक है, तो उसके अंदर इनमें से कौन सा सॉल्ट आपका डला हुआ होता है जो दर्द को कम करने में हमारी मदद करता है, ठीक है। एक बार अगला क्वेश्चन क्या है, आंतरिक रूप से कफ वात रोग रोकने के लिए कौन सी औषधि का प्रयोग किया जाता है। जब हमारे अंदर, हमारी चेस्ट के अंदर बहुत ज्यादा कफ बन जाता है, तो इनमें से कौन सी औषधि का, कौन सी दवाई का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इनमें से कौन सी औषधि का, कौन सी दवाई का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बताइए। आंतरिक रूप से कफ वात रोकने के लिए कौन सी औषधि का प्रयोग किया जाता है, बताइए। बिल्कुल, बहुत सारे बच्चों का आंसर बी एकदम सही आया है, एकदम सही आया है। किसका बेटा, बेलाडोना का। ये सोल्ट के नाम है, याद रखना। किसका, हम लोग बेलाडोना, जो आपका सोल्ट है वो आपका दवाइयों में, उन दवाइयों में मिला जाता है जो हमारे अंदर कफ का जो फॉर्मेशन होता है उसको रोक देते हैं, जो हमारे अंदर कफ फॉर्मेशन को रोक देते हैं। सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है, इनमें से सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है जिससे आपका सीमेंट रेडी हो जाता है, जिससे आपका सीमेंट रेडी हो जाता है, किस किस का बेटा, चूना पत्थर और मृतिका, ठीक है। और आपका सीमेंट हम कैसे बना सकते हैं, जिप्सम का इस्तेमाल हम लोग CaSO4.2H2O, जिप्सम का इस्तेमाल हम लोग कहां करते हैं, आपका सीमेंट बनाने में करते हैं, ठीक है, हम लोग सीमेंट बनाने में करते हैं। अगर आप जिप्सम को 120 या फिर 150 डिग्री पर गर्म करोगे तो इसमें से डेढ़ पानी का मॉलिक्यूल आपका उड़ जाएगा, ठीक है, और आपका क्या बचेगा, आधा पानी का मॉलिक्यूल बचेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, जिसको हम लोग पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। इस प्लास्टर ऑफ पेरिस, वही प्लास्टर जो आप लोग लड़ाई में हड्डी तुड़वा के आते हो ना हाथ की, ठीक है, और फिर पापा जी ही आपको प्लास्टर करवाने के लिए लेके जाते हैं, वही आपका प्लास्टर में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, CaSO4.5H2O। हमारे घरों में जो आपकी पीओपी होती है, छतों में जो डिजाइन बनते हैं वो इसी पीओपी के बनते हैं। जिप्सम का इस्तेमाल हम लोग एज अ फर्टिलाइजर भी कर लेते हैं, एज अ फर्टिलाइजर, उर्वरक के रूप में भी हम लोग जिप्सम का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, भूमि सुधारक के रूप में इनमें से हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑप्शन में होता है जिप्सम, तो भूमि सुधारक के रूप में हम लोग जिप्सम का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा एक बार, क्या है, प्रवाल भित्तियां किस मानसूनी वनों की समुद्री प्रतिरूप है। प्रवाल भित्तियां, इनमें से कौन से मानसूनी वनों का समुद्री प्रतिरूप है, फटाफट बताइए। अगर हम लोग समुद्र में जो आपके प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं, तो किस टाइप के वन से उनको कंपेयर कर सकते हैं, लैंड पर किस टाइप के वन से हम उनको कंपेयर कर सकते हैं, तो इनको हम लोग आपका कंपेयर कर सकते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन से, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन से हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है। खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है, क्विकली बताइए। खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है, विस्थापन, ऑक्सीकरण, हाइड्रोजनीशन या फिर आपका रिडक्शन।
डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजनेशन या फिर आपका रिडक्शन? यार एक तो देखो आंसर नहीं दे रहे हैं सारे बच्चे। भाई मेरे को नहीं मजा आता ऐसे क्लास में, मैं लिटरली बंद कर दूंगी क्लास, चाहे 20 मिनट की हो 25 मिनट की हो। अगर आप लोग आंसर करने में, अगर आप लोगों का मन नहीं है ना क्लास लेने का, बोल दो यार हमारा मन नहीं क्लास लेने का, मैं भी क्यों अपना समय खराब करूंगी, मैं भी एंड कर दूंगी अभी। या तो सारे बच्चे आंसर करो या क्लास मत लो। मेरे को अपनी क्लास में वो रेशियो चाहिए ही नहीं कि भैया यहाँ पर 1000 बच्चा बैठा है, 20 बच्चे आंसर कर रहा है। भैया ये बाकी के जो आपके 980 बच्चे हैं क्या है, आप लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? अरे गलती तो होगा ना आंसर, उससे क्या फर्क पड़ता है? टेस्ट थोड़ी ना ले रही हूं मैं अभी, आपका टेस्ट थोड़ी ना ले रही हूं भाई। तो खाने पकाने का तेल आपका वनस्पति घी में, बेटा शाम 5 बजे होती है मेरी क्लास अभी और रात को 9 बजे होती है, फिलहाल यही टाइम है, ठीक है? जब तक जितना बच्चा लाइव है उतना बच्चा आंसर नहीं करेगा, गलत करो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आंसर सारे बच्चे करो। तो बेटा अगला क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पर नहीं दिखाऊंगी, अदरवाइज मैं क्लास एंड कर दूंगी, क्योंकि मुझे ये रेशियो अपनी क्लास में नहीं चाहिए। खाना पकाने का तेल वनस्पति घी, किस वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है आपका? हाइड्रोजनेशन द्वारा। किस प्रक्रिया द्वारा? हाइड्रोजनेशन द्वारा ये आपका बदला जाता है। यूरेनियम भाई सिंपल सी बात है, सुबह से काम करते करते हमें भी रात के 10 बज जाते हैं ना, हमें आपसे कहीं ज्यादा, आप लोग तो मोबाइल के सामने लेट रहे हो, बैठे हो, कैसे भी आपके सामने मोबाइल है और आप लोग अपना क्लास ले रहे हो, हम लोगों के पास ये ऑप्शन नहीं है, हमें तो खड़े ही रहना है ना, एनर्जी के साथ में बोलना है, बीच बीच में तुम्हें मोटिवेट करना है, क्लास को इंटरेक्टिव बनाना है, ये सारी जिम्मेदारियां हमारी है। एंड उसके बाद में भी अगर आप लोगों का इतना बेकार रिस्पॉन्स है तो आई डोंट वॉन्ट, फिर तो भाई एंड करो, मैं भी अपना जाके आराम से सोती हूँ, कोई फायदा नहीं है फिर। यूरेनियम अंततः किसके स्थाई आइसोटोप्स में बदल जाता है? यानी यूरेनियम आपको पता है आपका एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है मतलब इनमें से आपकी अल्फा बीटा गामा रेज निकलती होंगी, तो धीरे धीरे ये डिके होकर आपका किसमें फाइनली स्टेबल हो जाता है? लेड में। किसमें? सीसा यानी लेड में ही आपका फाइनली स्टेबल हो जाता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा एक बार। नमोनिया, बार बार आने वाला ज्वर, काली खांसी, नेत्रों के संक्रमण आदि में लाभदायक औषधि इनमें से कौन सी हो सकती है? बार बार किसी को बुखार आता है, काली खांसी होती है, आंखों में इंफेक्शन होता है, तो इनमें से भाई इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन करा रही हूं मैं आप लोगों को, अरे ग्रैब करो यार इस चीज को, वेस्ट मत करो भाई अपने समय को, क्योंकि समय एक ऐसी चीज है जो कभी किसी के लिए नहीं रुकता। एक बार जो चला गया सो चला गया, एक गया हुआ सेकंड भी कभी तुम्हारे लिए वापस नहीं आया होगा आज तक, किसी के लिए नहीं आया। हर एक सेकंड की वैल्यू करना सीखो जिंदगी में, टाइम की कीमत को समझो, समय से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं है, पैसा तो आज है कल नहीं, आज आप करोड़पति हो सकते हो सकता है कल करोड़पति हो जाओ, क्योंकि ये आनी जानी चीज है, लेकिन समय अगर चला गया उस समय की आपने कीमत नहीं करी, उस समय की कीमत समय पर करो, नहीं तो समय आपको अपनी कीमत सही समय पर समझा देगा। अब इसको रात भर बैठ के अगर किसी बच्चे को समझ में आ जाए ना तो बता देना कि आपको क्या समझ में आया, कमेंट में बताना मुझे कि मैम हमने आपने जो हमसे ये बात बोली थी कि समय की कीमत सही समय पर करो, नहीं तो सही समय आने पर आपको समय सही समय की कीमत बता देगा, जिसको समझ में आ जाए कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है? क्या होता है बेटा आपका नमोनिया बार बार, कौन सी दवाई का? हम लोग ओरोमाइसिन का, किसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग? ओरोमाइसिन। नहीं बहुत बच्चे गलत कर रहे हैं, कोई बात नहीं, बहुत सारे बच्चों के लिए क्वेश्चन नए होंगे भाई, नई चीजें सीख लो, है ना? जब मुझे लगेगा रिवीजन की जरूरत है मैं जो क्वेश्चन पहले करा दिए उनको दोबारा से करा दूंगी। गठिया तथा अन्य संधि शोध के लिए प्रयोग में लाए जाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? गठिया तथा अन्य संधि शोध, गठिया तथा अन्य संधि शोध में के लिए प्रयोग में लाए जाने वाली औषधि को क्या कहते हैं बताइए? जो भी आपका जॉइंट्स पेन होता है या गठिया का जो दर्द होता है, ठीक है, इसमें हम इनमें से कौन सी दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं? किस सॉल्ट से वो आपकी दवाइयां बनी होती हैं? किस सॉल्ट से वो आपकी दवाइयां बनी होती हैं? कॉल्चिकम। किससे बनी होती है? कॉल्चिकम से बनी होती है। कोई बात नहीं, गलत हो रहे हैं, गलत करोगे सही सीख लोगे। पार्किंसन रोग में प्रयोग की जाने वाली औषधि इनमें से कौन सी है? पार्किंसन रोग में प्रयोग की जाने वाली औषधि इनमें से कौन सी है? फटाफट बताइए। पार्किंसन रोग में प्रयोग की जाने वाली औषधि इनमें से कौन सी है?
पार्किंसन रोग में प्रयोग की जाने वाली औषधि इनमें से कौन सी है बेटा आपकी? मॉर्फिन या कोडिन। ठीक है, कौन सी है बेटा आपकी? मॉर्फिन या कोडिन है। अगला क्वेश्चन क्या है? शहद के मक्खी के शहद की जो मक्खी होती है उसमें जो आपकी विष की प्रकृति होती है वो कैसी होती है? ठीक है, आपने देखा होगा जो शहद वाली मक्खी होती है अगर वो आपको काट ले, ठीक है, अगर वो आपको काट ले तो बेटा क्या हो जाता है आपके वो पर्टिकुलर पार्ट पे रेड रेड हो जाता है। बहुत बार वो डंक भी अपना अंदर छोड़ देती है, बहुत गहरा अगर वो आप डंक लगा देती है तो अंदर ही रह जाता है। स्वेलिंग आ सकती है, पस पड़ सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसका जो विष होता है वो किस प्रकृति का होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है। किसका होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है। अब देखो, अगर कभी भी तुम्हें जैसे ततैया, जानते हो भाई आप लोग, हमारे यहाँ ततैया ही बोलते हैं उसको, क्या पता आपके यहाँ कुछ और बोलते हो, येलो येलो कलर का होता है हमारे यहाँ तो भाई, देखो उसको ततैया बोला जाता है, आपका यहाँ पता नहीं क्या बोला जाता होगा। ठीक है, मधुमक्खी हो गई, ततैया हो गया, ये अगर आपको कभी भी खा लेते हैं तो आपको इंस्टेंटली क्या करना है, अगर आपके पास में कोई भी खट्टी चीज है, लाइक अगर आपके पास में अमचूर वगैरह है, तो उसको वहां पर आप लोग रब कर लीजिए, वहां पर रब कर लीजिए, तो आपको वो स्वेलिंग कम होगी, जलन आपको कम होगी। ठीक है, या फिर अगर आपके पास में कोई मेटल की चीज है, स्पेशली अगर लोहे की आपके पास में कोई आसपास चीज है, तो कुल मिला के मतलब उसको ऐसे वहां पर रब कर दीजिए जिससे थोड़ी सी स्वेलिंग कम होती है। कुछ देसी नुस्खे होते हैं, जब हम छोटे थे तो हमें मधुमक्खी काट लेती थी भाई, गाँव में ही पले बड़े है ना, मधुमक्खी ततैये का काटना आम बात होती थी, आम बात होती थी ना गांव में, कोई ये थोड़ी होता था कि भाई हम वो पैम्पर्ड चाइल्ड रहे हैं, नहीं नहीं भाई, बिल्कुल वो पापा की परी की तरह थोड़ी ना पले हैं कि भाई वो पापा की परी पैरों से स्कूटी रोकेंगे या कुछ भी, ऐसी कंडीशन हमारे साथ नहीं हुई है भाई, बिल्कुल रफ एंड टफ बोर्ड एकदम है ना, ऊपर दीवार है, दीवार पे दिख रहा है नीचे सामने भाई 10 फीट की दीवार है, लेकिन हाँ नीचे मिट्टी है, कूद गए भाई 10 फीट की दीवार से बिना डर के, है ना, क्योंकि वो बोल्डनेस थी, मतलब वो बचपन से सिखाया गया था कि बोल्ड बनना है, ऐसे नहीं रहना तुम लोगों को, दैट्स व्हाई। तो ये सारी चीजें जब बचपन में मम्मी काट लेती थी हमको मधुमक्खी, तो मम्मी यही सब काम करती थी, तो इसलिए हमें पता है कि भैया, लेकिन बाद में जब पढ़े तब पता लगा कि वो स्वेलिंग क्यों आती थी, क्योंकि उसका जो विष होता है वो आपका अम्लीय प्रकृति का होता है, वो आपका अम्लीय प्रकृति का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा एक बार, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आ जाइए जरा। एक समांतर संधिवादर एक समांतर संधिवार अधिकतर किस भंडारण युक्ति में इस्तेमाल होता है? एक समांतर संधिवार अधिकतर किस भंडारण युक्ति में इस्तेमाल होता है? बेटा इससे ज्यादा साइंस ना हिंदी में, इससे ज्यादा हिंदी होती नहीं है साइंस में। अगर तुम लोगों को ये भी हिंदी नहीं लग रही है, ये भी प्रॉब्लम है, तो इससे ज्यादा हिंदी साइंस में फिर होती ही नहीं है, मैं बता रही हूं ना, बताइए। आंतरिक में, बाह्य में, स्थिर में या इनमें से सभी में? क्विकली बताइए, किसमें बेटा आपका? बाह्य भंडारण में। किसमें होती है ये आपकी? बाह्य भंडारण में होती है। अगला क्वेश्चन क्या है? उच्च ऑक्टेन वाले ईंधन में कौन सा तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है? उच्च ऑक्टेन वाले ईंधन में कौन सा तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है? उच्च ऑक्टेन वाले ईंधन में कौन सा तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है? हाँ जी बताइए, उच्च ऑक्टेन वाला ईंधन में कौन सा तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इनमें से कौन सा तत्व आपका अधिक मात्रा में पाया जाता है बेटा? सीसा, बिल्कुल जी। कौन सा पाया जाता है आपका? लेड पाया जाता है। ठीक है, ऑक्टेन नंबर क्या होता है? बेसिकली जो हमको फ्यूल की क्या बताता है? क्वालिटी बताता है। फ्यूल की क्या बताता है बेटा? क्वालिटी बताता है। फ्यूल की क्वालिटी बताता है क्या बेटा? आपका ऑक्टेन नंबर। जितना अच्छा, जो आपकी अच्छी क्वालिटी का फ्यूल होगा उसका ऑक्टेन नंबर आपका अच्छा होगा, मतलब जितना अच्छा ऑक्टेन नंबर उतनी ही अच्छी क्वालिटी का आपका फ्यूल होगा, और जो अच्छा ऑक्टेन नंबर होता है, जो अच्छा फ्यूल होता है, उसके अंदर आपकी लेड की अमाउंट ज्यादा पाई जाती है। क्लियर? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लोहे में जंग लगाने के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? लोहे में जंग लगाने के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? लोहे में जंग लगाने के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? क्विकली बताइए, लोहे में जंग लगाने के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? अगर आयरन में जंग लगता है, रस्टिंग होती है, तो इनमें से किसका प्रेजेंट होना? देखो, पानी और ऑक्सीजन दोनों है ऑप्शन में, तो और ए तथा बी दोनों है, तो आपका ए तथा बी जाएगा, लेकिन जल नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन अगर आपका ऑप्शन में है, तो तब बेटा आप लोग ऑक्सीजन टिक करके आ सकते हो।
तब आप लोग ऑक्सीजन इजीली टिक करके आ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसका घनत्व वायु के घनत्व से कम होने के कारण गुब्बारा हवा में उड़ने लगता है? निम्न में से किसका घनत्व वायु के घनत्व में कम होने के कारण गुब्बारा जो होता है वो आपका हवा में उड़ने लगता है। गुब्बारा आपका हवा में उड़ने लगता है तो बेटा क्या होती है, उसमें आपकी हीलियम भरी होती है। ठीक है, उसमें आपकी हीलियम भरी होती है जो आप उसको क्या बेटा, जो एयर से हल्की होती है, जिसकी वजह से आपका गुब्बारा ऊपर उड़ जाता है। ठीक है, क्लियर। सबसे खतरनाक चीज होती है, पहले बच्चे को गुब्बारा दिला दो, ठीक है, उसके बाद में बाई चांस कैसे भी ऐसा हो जाए। अब बड़ा आदमी जब साथ में होता है, छोटा बच्चा होता है, तो वो क्या बोलता है कि नहीं आप पकड़ लो गुब्बारा, बाई चांस आपका कोई मतलब फोन आ जाए, फोन कॉल आ जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए कि आपके हाथ से वो गुब्बारा छूट जाए। भाई पब्लिक प्लेस है, कुछ है, जो बच्चा रोता है ना, तुम उसे चुप नहीं करा सकते उस गुब्बारे के लिए, जब तक उसे 4-5 और गुब्बारे ना दिला दो, स्पेशली जैसा वो था वैसा ही। ये भी नहीं दूसरा गुब्बारा ला के दे दो, अगर वो लाल रंग का था तो उसको लाल रंग का ही गुब्बारा चाहिए। फिर वो तो सबसे खतरनाक होता है, अगर किसी को गुब्बारा दिलाओ तो उसको टाइट पकड़ के लेके आना, नहीं तो पब्लिक प्लेस में बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, वो कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर के लक्षण क्या होते हैं? ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर आपका कैसे होता है, जब आपकी WBC यानी कि आपकी श्वेत रक्त कोशिकाओं में वृद्धि होती है तब आपको ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर हो सकता है, तब आपको ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर हो सकता है। आधुनिक चर्म शोधन उद्योग में कौन सी धातु पाई जाती है? आधुनिक चर्म शोधन उद्योग में कौन सी धातु पाई जाती है बताइए? आधुनिक चर्म शोधन उद्योग में कौन सी धातु पाई जाती है? क्विकली बताइए, आधुनिक चर्म शोधन उद्योग में कौन सी धातु पाई जाती है आपकी? क्रोमियम। कौन सी पाई जाती है बेटा इनमें आपकी? क्रोमियम पाई जाती है। बहुत सारे बच्चों का आंसर ठीक आ रहा है, क्या बात है यार, तुम लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया क्या? स्थिर वैद्युत अवक्षेपित किसके नियंत्रण में कम आता है? स्थिर वैद्युत अवक्षेपित किसके नियंत्रण में काम आता है? किसके नियंत्रण में काम आता है बताइए, क्विकली बताइए। इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर इनमें से किसके लिए काम में लिया जाता है? वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण या ये सभी, या फिर आपका ये सभी बताइए। तो आपका इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर किसके इस्तेमाल में, किसके पोल्यूशन को इंडिकेट करने के लिए, किसको कंट्रोल करने के लिए आपका आपका यूज किया जाता है? एयर पोल्यूशन को। किसको? एयर पोल्यूशन को। आपको एक चीज पता होगी, आजकल एक रूल बना दिया गवर्नमेंट ने कि आपको अपना गाड़ी का या बाइक का पोल्यूशन चेक कराना होता है। जब आप गाड़ी या बाइक का पोल्यूशन चेक कराने जाते हो तो वहां पर वो पोल्यूशन लेवल में आपको सल्फर डाइऑक्साइड और साथ में आपके उस धुएं में उस गाड़ी के अंदर आपकी लेड की अमाउंट कितनी है वो भी लिख के देते हैं। यानी कहीं ना कहीं लेड भी जो होता है वो एयर को पोल्यूट करता है, वो एयर को पोल्यूट करता है। अगला क्वेश्चन क्या है? कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता प्रदान करता है। कृत्रिम दुनिया यानी आर्टिफिशियल वर्ल्ड इनमें से किस टेक्निक द्वारा हम एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड को फील कर सकते हैं? जैसे बहुत सारे आपने देखा होगा, जैसे आपकी बहुत अच्छी अच्छी मूवीज होती हैं जो किसमें लॉन्च होती हैं बेटा, आपकी 3D में लॉन्च होती हैं। ठीक है, जो आपकी 3D में लॉन्च होती है, क्योंकि 3D हमारे सामने एक ऐसा आर्टिफिशियल वर्ल्ड क्रिएट कर देता है जिससे हमें वो चीजें रियलिस्टिक लगती हैं, जिससे हमें वो सारी चीजें वास्तविक लगती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है फटाफट बताइए, पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है फटाफट बताइए। लिख रहे हो भाई, उल्टा सीधा कमेंट ना दिख जाए मुझे किसी का, याद रखना आप लोग। हाँ, आंसर करो सारे बच्चे, जिनका आंसर देने का मन है वही क्लास में बैठो और वही आंसर करो। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसको कहा जाता है बेटा? शुक्र को कहा जाता है, वीनस को कहा जाता है। देखो किसका ग्रह का क्या कलर है, वैसे तो मैंने शॉर्ट्स आपका अपलोड कर दिया है कि किस ग्रह का क्या कलर है, और अब मैं डेली आपके शॉर्ट्स अपलोड कर रही हूँ चैनल पर, जैसे आज मैंने किया है हाइपोथैलेमस वाला, ठीक है वो आप देख लेना। देन उसके बाद में एक मैंने किया है आपका, क्या कल किया था, लड़के क्यों नहीं रोते,
ठीक है, आप वो देख लेना जरा। एक चीज देखो, पृथ्वी की जुड़वा बहन हम शुक्र को कहते हैं। आपके यहां से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? एक क्वेश्चन बनेगा आपका बेटा मवैम जैसून से, मैम ये मवैम जैसून क्या है? ये मवैम जैसून आपका आखिरकार है क्या? ये आपका सन से कौन सा प्लेनेट किस नंबर पर है? सन से कौन सा प्लेनेट किस नंबर पर है? ये आपका मवैम जैसून है। पहला मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और आपका नेपच्यून, और आपका नेपच्यून, ठीक है। अब दूसरा क्या है बेटा, आपकी एक और ट्रिक होती है कि हम है नीले, जिन्होंने शॉर्ट देखा होगा उनको पता है हम है नीले, पति है पीले, पति है पीले, शुक्र बहन चमकीली है, शुक्र बहन चमकीली है, बहन भी आ गया ना, मतलब अर्थ की बहन है, लाल है मंगल, लाल है मंगल, शनि है काला, शनि है काला और अरुण पर हरियाली है, और अरुण पर हरियाली है, और अरुण पर हरियाली है। हम है नीले, पति है पीले, शुक्र बहन चमकीली है, लाल है मंगल, शनि है काला और अरुण पर हरियाली है। हम है नीले मतलब अर्थ का कलर कैसा होता है? ब्लू। पति है पीले मतलब जुपिटर का कलर कैसा होता है? येलो, ठीक है। शुक्र बहन चमकीली है मतलब आपका शुक्र पर कैसे होते, चमकदार होता है ये आपका ग्रह। लाल है मंगल, लाल आपका मंगल का कलर कैसा है? लाल है। शनि है काला मतलब आपका जो शनि है उसका आपका सैटर्न जो है उसका रंग कैसा है? काला है। और अरुण पर हरियाली है, और आपका जो अरुण है उस पर आपके क्या पाई जाती है बेटा? हरियाली पाई जाती है, ठीक है। लाल मंगल क्यों है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, क्योंकि इस पर आपका क्या पाया जाता है? इस पर आपका फेरिक ऑक्साइड पाया जाता है या फिर इस पर आपका आयरन पाया जाता है, दोनों में से कुछ भी ऑप्शन हो सकता है, जिसकी वजह से मंगल ग्रह का कलर आपका कैसा होता है? आपका लाल होता है। तो ट्रिक याद रहेगी, एक है मवैम जैसून और दूसरे क्या है, हम है नीले, पति है पीले, शुक्र बहन चमकीली है, लाल है मंगल, शनि है काला और अरुण पर हरियाली है, ठीक है। यहां से आपका एक और क्वेश्चन बनता था, हाँ क्या बेटा, आपका ETMST, ठीक है। ये आपकी क्या है बेटा, आपकी जो एनवायरमेंट में जो आपकी लेयर है, ठीक है, अर्थ का जो आपका एटमोसफेयर है उसमें जो आपकी लेयर है उसको याद करने की ट्रिक है आपकी ETMST, ठीक है। यानी कि आपका क्या बेटा, आपकी ट्रोफोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और आपकी एक्सोस्फेयर, और आपकी एक्सोस्फेयर। तो ये ट्रिक होती है जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगी। अनुकरण कोड किससे किसे कहते हैं? अनुकरण कोड किसे कहते हैं? फटाफट बताइए, अनुकरण कोड किसे कहते हैं? अनुकरण कोड किसको कहा जाता है? आपका फ्लो चार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका फ्लो चार्ट को बेटा हम लोग आपका अनुकरण कोड कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लौंग की खेती मुख्यतः कहां होती है? लौंग की खेती मुख्यतः कहां होती है? फटाफट बताइए, लौंग की खेती मुख्यतः कहां होती है? लौंग की खेती मुख्यतः कहां होती है बेटा? आपकी केरल में होती है। लौंग की खेती आपकी मुख्यतः कहां होती है? केरल में होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे में महत्वपूर्ण होता है। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के लिए इनमें से किसका प्रेजेंट जरूरी होता है आपका होना? पत्ती का, क्योंकि पत्ती के अंदर आपका क्लोरोफिल पाया जाता है जो आपका फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, जो आपका फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। दूसरी बात, सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस किस कलर में होता है? सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस आपका लाल रंग में होता है, फिर उसके बाद में आपका बैंगनी रंग में होता है। बच्चे लगा के आते हैं कि सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस आपका हरे रंग में होता है, जो कि गलत है। सबसे कम फोटोसिंथेसिस आपका हरे रंग में होता है, याद रखना। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस है क्या? फोटोसिंथेसिस आपका क्या है भाई? फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे व्हाइट लाइट से पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं। खाना मतलब एनर्जी गेन करते हैं। कोई भी वस्तु हमको उस कलर की इस वजह से दिखाई देती है जिस कलर को वो वापस रिफ्लेक्ट कर देती है। तो पेड़ पौधे हरे रंग के दिखाई देते हैं क्योंकि ये हरे रंग को रिफ्लेक्ट करते हैं, वापस भेज देते हैं, क्योंकि ये हरे रंग को रिफ्लेक्ट करते हैं, वापस भेज देते हैं, ठीक है बच्चा, ओके। हरे रंग को रिफ्लेक्ट करते हैं, वापस भेजते हैं, इसीलिए हमको हरे रंग के दिखाई देते हैं। अब यहां पर क्या है भैया तुम्हारा, जब हरे रंग को वापस भेज दिया तो उससे कोई एनर्जी थोड़ी ना गेन की, उससे कोई एनर्जी थोड़ी ना गेन की है, वो वापस चला गया आपका, वो एज इट इज आपका वापस चला गया। सबसे कम आपके हरे रंग में करते हैं, सबसे ज्यादा आपके लाल रंग में करते हैं। दूसरी बात, आपका व्हाइट कलर की चीज आपको व्हाइट क्यों दिखाई देती है? जब कोई वस्तु सारे के सारे कलर आपके रिफ्लेक्ट कर दे, वापस भेज दे, तो वो आपको व्हाइट कलर की दिखाई देगी। जब कोई वस्तु सारे के सारे कलर एब्जॉर्ब कर ले,
तो वो वस्तु आपको काले रंग की दिखाई देगी, वो वस्तु आपको काले रंग की दिखाई देगी। क्लियर जी? आगे बढ़ते हैं जरा एक बार। आहार नाल के, आहार नाल में, अच्छा आहार नाल के निम्नलिखित भागों में से रेनिन एंजाइम कहां से स्रावित होता है? आहार नाल के निम्नलिखित भागों में से रेनिन एंजाइम कहां पर आपका बनता है? बताइए, इनमें से रेनिन एंजाइम आपका कहां पर बनता है बेटा? बिल्कुल आपका कहां बनता है? ये आपका स्टमक में बनता है, ये आपका स्टमक में बनता है। अगला क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी कैलोरीज ऑफ एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ ग्लास ऑफ वाटर? एक ग्लास पानी से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? एक ग्लास पानी से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है बताइए? एक ग्लास एनर्जी से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है बेटा? आपकी जीरो कैलोरी। कितने कैलोरी मिलती है आपकी? जीरो कैलोरी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सलाइवा इज यूज्ड फॉर डाइजेशन? ठीक है, लार का उपयोग इनमें से किसके पाचन में होता है? लार का उपयोग इनमें से किसके पाचन में होता है? संख्या आंसर देने वालों की बहुत कम है भाई, अगले 5 मिनट में अगर तुम्हारी संख्या नहीं बढ़ी ना तो मैं क्लास एंड कर दूंगी, लिटरली बता रही हूं। और हो सकता है कल से फिर लूं भी ना, क्योंकि मुझे अपनी क्लास में वो रेशियो नहीं चाहिए कि आप लोग आंसर नहीं कर रहे हो। मतलब क्या इन 200 बच्चों का ही पेपर है क्या? आपका पेपर नहीं है ना, और पेपर नहीं है तो क्लास देख क्यों रहे हो फिर तुम लोग? भाई कोई तो एग्जाम होगा, मान लिया दिल्ली पुलिस नहीं आ रहे, कोई तो एग्जाम होगा ना तुम्हारा, गलती तो होगा ना, आंसर होने दो गलत, क्या फर्क पड़ता है उस चीज से फर्क क्या पड़ता है भाई? लार का उपयोग किसके पाचन में होता है? किसके पाचन में होता है बेटा? इनमें से देखो, जो आपकी सलाइवा होती है उसके अंदर आपकी सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती हैं, जो जोड़ी में 3 होती हैं और संख्या में 6 होती हैं, ठीक है, पैरोटिड, सब लिंगुअल और सब मैंडिबुलर। इस वाले सेक्शन में आपकी पैरोटिड होती है, जीभ के नीचे सब लिंगुअल, नीचे वाले जबड़े में आपकी सब मैंडिबुलर, 3 जोड़ी हो गई। ऊपर से सलाइवरी ग्लैंड आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ये कैसी ग्लैंड है? आपकी बहिश्रावी ग्रंथि है, ये आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड है। अब सलाइवरी ग्लैंड किसको पचाने में मदद करती है? ये सलाइवरी ग्लैंड आपका एंजाइम बनाती है, क्या? एमाइलेज। एमाइलेज बनाती है, और जो एमाइलेज हमारे शरीर में किसको? कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है, और कार्बोहाइड्रेट इनमें से कौन सा है आपका? स्टार्च। समझ आया? इनमें से कार्बोहाइड्रेट कौन सा है आपका? स्टार्च है। अगला क्वेश्चन क्या है? द एंजाइम दैट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज? द एंजाइम दैट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज, फटाफट बताइए, द एंजाइम दैट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, इनमें से कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन को पचाने में मदद करता है? इनमें से कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन को पचाने में मदद करता है? आपका ट्रिप्सिन और पेप्सिन। ट्रिप्सिन और पेप्सिन जो है बेटा, ये आपके प्रोटीन को पचाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज सीक्रेटेड बाय द पैनक्रियाज? इनमें से कौन सा एंजाइम आपका अग्नाशय द्वारा श्रावित होता है? इनमें से कौन सा एंजाइम आपका अग्नाशय द्वारा श्रावित होता है बताइए? इनमें से कौन सा एंजाइम आपका अग्नाशय द्वारा श्रावित होता है? क्विकली बताइए, अग्नाशय द्वारा इनमें से आपका कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? लैक्टोज है ही नहीं एंजाइम, सिक्रोज भी नहीं है, माल्टोज भी नहीं है, है ना? तो इनमें से आपका अग्नाशय द्वारा कौन सा बनाया जाता है? ट्रिप्सिन। कौन सा बनाया जाता है बेटा आपका? ट्रिप्सिन बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? इंसुलिन स्रावित होता है, इंसुलिन आपका कहां से स्रावित होता है बताइए? इंसुलिन आपका कहां से स्रावित होता है? क्विकली बताइए, इंसुलिन आपका कहां से स्रावित होता है? स्प्लीन से, गोनेड से, लीवर से, या पैनक्रियाज से? इंसुलिन आपका कहां से श्रावित होता है? तो इंसुलिन कहां से श्रावित होता है बेटा आपका? पैनक्रियाज से। पैनक्रियाज के अंदर आपकी आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पाई जाती हैं, ठीक है, इनमें आपकी बीटा सेल्स पाई जाती हैं, और ये बीटा सेल्स क्या बनाती है? इंसुलिन बनाने में आपके पैनक्रियाज की मदद करती है, ठीक है। यानी इंसुलिन कहां बनता है? इन बीटा सेल्स के अंदर बनता है। एक सामान्य मानव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? और कथन क्या है कि मानव लार हल्का क्षारीय होता है, सही है, ठीक है, एक दिन में 1 से 1.5 लीटर बनता है, ये भी सही है, ठीक है। मानव ग्रंथि 6 जोड़ी होती है, अभी बताया था 3 जोड़ी होती है, अभी बताया था कि 3 जोड़ी होती है और संख्या में 6 होती है, और संख्या में 6 होती है, कहां कहां पर होती है? बताया था
पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, सब लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड और आपकी सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इन मैमल्स द डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट फ्रॉम माउथ। हमारे अंदर स्टार्च क्या है? हमारे अंदर सबसे पहले पाचन शुरू होता है कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च क्या है आपका? कार्बोहाइड्रेट है जो हमारे मुंह से ही पचना शुरू हो जाता है। सलाइवा हैज टाइलिन फॉर स्टार्च डाइजेशन, ठीक है। यानी सलाइवा के अंदर आपका टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को पचाने में मदद करता है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट ही आपकी सही है। अगला क्वेश्चन है, बाइल इज स्टोर्ड इन, पित्तरस किसमें जमा हो जाता है? बताइए। पित्तरस किसमें जमा हो जाता है? देखो, पित्तरस को बनाने का काम है लीवर का, यकृत का, और स्टोर करने का काम किसका होता है? आपका गोल ब्लैडर का होता है। स्टोर करने का काम आपका किसका होता है बेटा? गोल ब्लैडर का होता है, ठीक है। अब लास्ट में आप लोग एक बात जरूर सुन के जाना, मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ कि लास्ट के जो 5 मिनट होते हैं ना बेटा, वो आपके क्लास के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कैसे? ये मैंने यहाँ पर वेबसाइट ओपन की है, आप लोगों को एप्लीकेशन से बैच परचेज करना है, क्योंकि थोड़ा सा आपका और सस्ता पड़ता है, क्योंकि किसी को गलत गाइड ना आज तक कभी किया है ना आगे कभी करेंगे। आपका बेटा दिल्ली पुलिस का आज से नया बैच शुरू हुआ है, आज से आपका एक दिल्ली पुलिस का नया बैच शुरू हुआ है, मिशन 2.0 के नाम से ये बैच आपको मिलेगा। मिशन 2.0 के नाम से ये आपको बैच मिलेगा। आप लोग व्यू ऑफर्स पर क्लिक करोगे और Y446 आप लोग कूपन कोड लगाओगे। क्या बेटा? Y446 आप लोग कूपन कोड अप्लाई करोगे तो 1563 आपको वेबसाइट पर दिख रहा है, इसलिए बोला एप्लीकेशन से 1500 रुपए का मिलेगा। अब एप्लीकेशन पे इतना इजी आपको इंटरफेस नहीं लगेगा, ये बहुत सारे कोड आपको दिखते हैं, लेकिन भाई 50-100 रुपए के लिए ना टीचर की मेहनत को इतना ज्यादा वो मत करो, ठीक है। सैक्रिफाइसेस आपके लिए कहीं ना कहीं हम ही करते हैं, आपके लिए कोई स्टैंड लेना होता है, कुछ भी होता है, तो वो इन्फॉर्मेशन आप तक हम ही पहुंचाते हैं, तो इसलिए कोड हमेशा टीचर का ही इस्तेमाल करें। क्लियर? ओके जी। अब यहाँ पर बेटा क्या है आपको, ये 1563 का एप्लीकेशन पर 1500 रुपए का मिल जाएगा, कुछ बच्चों को तो 1400 रुपए का भी मिल जाता है, क्योंकि उनके पास कॉइन्स ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर आपको देखो, इतना बड़ा नहीं दिखेगा आपको व्यू ऑफर्स जितना बड़ा यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको छोटा सा अपने फोन में स्क्रीन पर इस वाले कोने पर, यहाँ पर नीचे वाले कोने पर आपको सी ऑफर्स या फिर आपको ऑफर देखें, हिंदी में लिखा होता है ऑफर देखें, वहां आपको क्लिक करना है, तब आपको अप्लाई करने का ये मौका मिलता है टीचर के कोड को। ना कहीं कॉल करने की जरूरत, ना ही कोड इनवैलिड आएगा, ना ही आपको कोई दिक्कत आएगी। आप डायरेक्ट कोड लगाना Y446, ठीक है बेटा, और आप लोगों का 1500 रुपए में ये बैच हो जाएगा, कोई जरूरत ही नहीं है कहीं पर कॉल करने की, ठीक है। अब यहाँ पर अब दिल्ली पुलिस सिर्फ आपका, ये तो बात है हेड कांस्टेबल की, लेकिन दिल्ली पुलिस सिर्फ हेड कांस्टेबल नहीं रुकने वाला आपका, दिल्ली पुलिस इस बार बहुत सारी वैकेंसी निकालने वाला है। इन सब का एक ही तोड़ है क्या? दिल्ली पुलिस का महापैक, जो आपका दिल्ली पुलिस में जितने भी एग्जाम है, आपका जो आपका टेलीकॉलर का आने वाला है, ड्राइवर का आने वाला है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, ये तो आपका मिनिस्ट्रियल कांस्टेबल है, कांस्टेबल का, हेड कांस्टेबल का, एसआई का जो आपका एग्जाम आने वाला है, उन सारे एग्जाम्स की तैयारी, और एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए 15 से 16 सब्जेक्ट होते हैं। आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से पता होगी, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कितने सब्जेक्ट होते हैं आपकी तैयारी करने के लिए। आप लोग व्यू ऑफर्स पर क्लिक करोगे और यहाँ पर Y446 कोड लगाओगे, कितना? Y446 आप लोग कोड अप्लाई करोगे तो बेटा 2200 रुपए में, यहाँ 2299 दिखा रहा है एप्लीकेशन, याद रखना नीचे वाला सेक्शन आप लोगों को देखना है, 2200 रुपए में बैच आपका हो जाएगा, ठीक है, 2200 रुपए में ये बैच आपका हो जाएगा। और सुनो, और ज्यादा पैसा बचाना है आप लोगों को तो बेटा आपका है कौन सा? SSC का महापैक। SSC आपको पता है 70,000 वैकेंसीज आपकी आ चुका है नोटिफिकेशन की, अगले 6 महीने में आपको 70,000 वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। ये 70,000 की वैकेंसी आपकी तैयारी कराएगा, ये इकलौता आपका SSC का महापैक, इकलौता SSC का महापैक। क्लियर? जितने भी SSC के एग्जाम है, CGL, CHSL, MTS, GD, सिलेक्शन पोस्ट, स्टेनो,
इन सब की तैयारी और साथ में जो अभी दिल्ली पुलिस का महापैक दिखाया ना, वो भी आपको एसएससी में मिलेगा, वो भी आपको एसएससी में मिलेगा। कोड लगाइए Y446, कोड लगाइए Y446। आप लोग कोड अप्लाई करेंगे तो 2989 रुपए में, यहाँ पर दिख रहा है ना, ये 100 रुपए एक्स्ट्रा तुम्हें नहीं देने पड़ेंगे एप्लीकेशन से। बट मैं रिमेम्बर आपको फिर से याद दिलाती हूँ, कोड में कोई दिक्कत नहीं आती, आपको इधर उधर कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप लोगों की अपनी इच्छा होती है, कॉल आती है, जो भी होता है, आप लोग बोल दिया करो कि नहीं हमने तो कोड अपना अप्लाई कर लिया है, दैट्स इट, है ना, दैट्स इट, ओके। तो बेटा कितना आपका 2900 रुपए का ये बैच आपको मिल जाएगा, 2900 रुपए का ये पूरा एसएससी का महापैक कितने साल के लिए दिख रहा है, डबल वैलिडिटी अभी आपकी ओन है आज भी रात 12 बजे तक, ठीक है। तो ये आपका 2 साल के लिए आपका हो जाएगा, 2 साल में सारी वैकेंसीज एसएससी आपका निकाल देगा, क्लियर जी, ओके बच्चा, समझ में आई बात। अब सुनो बेटा, आपका 22% ऑफ है किस पर, किताबों पर। अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और आपने अगर अभी तक किताबें नहीं खरीदी हैं तो बेटा आप कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं। ये वो प्रिंटेड किताबें हैं, ठीक है, ई बुक्स और टेस्ट सीरीज महापैक में अलग से खरीदनी नहीं पड़ती है, जिन पर आज आपका 22% है। आप लोग किताबों और टेस्ट सीरीज अगर आपको किसी को अलग से खरीदनी है तो Y446S कोड आप लोग लगाना, तो कितने 1200 रुपए में ये 6 किताबें आपके घर तक पहुंचा दी जाएंगी, 1200 रुपए में ये 6 किताबें आपके घर तक पहुंचा दी जाएंगी, ठीक है बच्चा, ओके। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना, कोई डाउट आए तो बेटा आप लोग कमेंट में मुझे बता देना, मैं आपको गाइड कर दूंगी, ठीक है। और कमेंट क्लास के लिए भी किया करो, शेयर भी किया करो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अभी मेरे बाद आपकी विनय सर और पवन सर दोनों की क्लास होती है, जिसको रीजनिंग पढ़नी है आप लोग विनय सर की क्लास में जाइए, जिनको बेटा आपकी कंप्यूटर पढ़ना है वो पवन सर की क्लास में जा सकते हैं, ठीक है बच्चा, ओके। हाँ मैम, नहीं बेटा ऐसा कोई वो नहीं है भाई, कितने रुपए का अंतर पड़ेगा यार, 150 रुपए का अंतर पड़ जाएगा, है ना, मतलब खुद ही सोच लिया करो यार, खुद ही इतना तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस है कि हमें कुछ बोलना ही ना पड़े, यहाँ तुम्हारे लिए चिल्लाते हम हैं, एनर्जी हम लगाते हैं, है ना, सर में दर्द पीपीटीज हम तैयार करते हैं, कंटेंट हम तैयार करते हैं, रात सुबह से लेकर रात तक हम काम करते हैं, और तुम लोगों को क्या लगता है भाई, सिर्फ एक डिग्निटी की तो बात होती है, बस अपनी एक वैल्यू बढ़ती है कि भैया इतना बच्चा है जो हम पर विश्वास करता है, जो हमें फॉलो करता है, दैट्स इट, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता, ओके। चलो बेटा अब हम लोग कल मिलेंगे आपका शाम 5 बजे यूट्यूब पर, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।